वहीं यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी का अभियान जारी है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ बात करने कुछ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी। सर, आज पहली लोकसभा अगर बात करेंगे क्षेत्रीय, तो आज पहली बैठक होने जा रही, क्या कुछ इसमें रणनीति? माननीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी जयंत पांडा जी का प्रवास है, उसी क्रम में आज ये क्षेत्र की बैठक है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में जो संगठन की रचना में हमारे जोन है उसमें सभी बैठकों में जाना उन्होंने तय किया है, तो उन पश्चिम में उनका प्रवास हो गया। आज अवध क्षेत्र की बैठक में सभी संगठन के लोगों से, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, लोकसभा के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, एक बार सबसे बातचीत करके और जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान हैं चुनाव तक, हमें क्या क्या करना है, तो कितना काम हुआ, इसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जो जो हमें करना माननीय प्रभारी जी के द्वारा। सर, आज राज्यसभा को लेकर भी सभी विधायकों को बुलाया गया है, पार्टी के क्या कह के एनडीए के सबको बुलाया गया, तो उसमें भी रणनीति है, आठों आपको लगता है कि आठ आपके उम्मीदवार आठों जीतेंगे? निश्चित रूप से जो हमारी तैयारी है और हमारी लोगों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे आठों के आठों राज्यसभा के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं वो पहले राउंड में ही बड़े अंतर से जीते। आखिरी सवाल है कि विपक्ष कह रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसको लेके वो भी अपने सारे विधायकों को लखनऊ में रोक रखा है समाजवादी पार्टी ने भी। हमारे पास संख्या बल है, हमने संख्या बल का आकलन करके ही, लोगों से बातचीत करके ही आठों प्रत्याशी हमने उतारे हैं और निश्चित रूप से लोग अंतर आत्मा की आवाज पर लोग वोट देंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आठों प्रत्याशी, हमारे आठों प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। अध्यक्ष भूपेन चौधरी कहते हैं कि हमारे आठों प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे और लोकसभा को लेकर तैयारियां हैं, क्रम वाइज चल रही हैं, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, आज अवध क्षेत्र है और आगे ऐसे ही क्रमशः जारी भी रहेगा। वीडियो लिस्ट अमित सहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।